सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। तो आज सैमसंग ने इंडिया में अपने टोटल 4 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। जी हाँ, आज टोटल सैमसंग ने यहाँ पर 4 स्मार्टफोन लॉन्च किए और चारों ही स्मार्टफोन इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि सैमसंग का है 18.5:9 स्क्रीन एक्सपेक्ट के साथ। तो चारों डिवाइस यही स्क्रीन एक्सपेक्ट के साथ आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी J8 के बारे में, कि आपको सैमसंग गैलेक्सी J8 में क्या क्या स्पेस देखने को मिलता है। जहाँ तक हम लोग बात करें, तो पहले तो बस ये रूमर्स निकल के सामने आ रही थी कि सैमसंग का J4 आएगा, J6 आएगा, A6 आएगा और A6 प्लस आएगा, लेकिन सैमसंग ने सरप्राइज दी, यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी J8 को भी लॉन्च कर दिया है। अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 6 इंच का HD+ डिस्प्ले। जी हाँ, यहाँ पर आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ना कि फुल HD की रेजोल्यूशन। अगर हम लोग बात करें तो 1080p डिस्प्ले है, लेकिन इसमें आपको सुपर एमोलेड की देखने को मिलेगी। मतलब आप लोगों को पता है कि सैमसंग में हमेशा आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी होती है। आपको उसमें कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट यूज़ किया गया है। जी हाँ, 450 का चिपसेट यूज़ किया गया है। 4 GB का रैम मिलेगा, 64 GB की यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी, 256 GB तक इसको आप माइक्रो एसडी लगा के एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड्रॉइड यहाँ पर आपको ओरियो मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। बैक में यहाँ पर आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिलेगा। अगर हम लोग बात करें तो 16 MP प्लस 5 MP का डुअल रियर कैमरा, 16 MP में आपको मिलेगा f1.7 अपर्चर, और जो सेकेंडरी कैमरा 5 MP उसमें आपको मिलेगा f1.9 अपर्चर। और अगर हम लोग फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा f1.9 अपर्चर के साथ, और उसके ही नीचे आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिखाई दे रहा होगा। और अगर हम लोग बात करें इस फोन की, तो इसमें आपको बैटरी मिलेगी 3500 mAh की बैटरी, और ये फास्ट चार्जिंग के बारे में इतना कन्फर्मेशन यहाँ पर सैमसंग ने नहीं कहा है। तो 3500 mAh की बैटरी मिलेगी, 720 का डिस्प्ले है, 720p का डिस्प्ले है, मतलब HD+ है। तो 3500 mAh की बैटरी ठीक ठाक बैटरी है, आपको आराम से 1-1.5 दिन का बैकअप तो आराम से दे ही देगी। डुअल 4G वोल्टी, मतलब 4G वोल्टी है, ब्लूटूथ जो नॉर्मल आपको कनेक्टिविटी मिलती है वो सभी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी। AI इंटेलिजेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर हम लोग बात करते हैं, हमारा फेस लॉक भी दिया गया है, अपना अपना आप अपना फेस लगा के फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। और अगर हम लोग इस फोन की प्राइस की बात करें, तो इस फोन की प्राइस रखी गई है 18,990 रुपीज़, और ये फ़ोन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा 20 जून से। जी हाँ, फ़ोन तो अभी लॉन्च कर दिया, लेकिन ये आपको स्टार्ट हो जाएगा लगभग 1 महीने बाद, 20 जून से ये आपको स्टार्ट हो जाएगा मिलना। और अगर हम लोग बात करें सैमसंग गैलेक्सी J6, A6 और A6 प्लस की, तो कल से आपको जो आपके नज़दीकी स्टोर है या फिर फ्लिपकार्ट और अमेजन में आपको जाके उसे ले सकते हैं। तो J8 के बारे में क्या बोलूँ यार, सब ठीक है, बस थोड़ी प्राइस ज़्यादा लग रही है। तो अभी आएगा सैमसंग गैलेक्सी A6 और A6 प्लस का वीडियो, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ़ोन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है ऑफलाइन मार्केट को देखते हुए, ये फ़ोन आपको ऑफलाइन मार्केट में मिलेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है सैमसंग का, कि उनके जो स्मार्टफोन है वो आपको ऑफलाइन मार्केट में भी देखने को मिल जाती है। तो J8 कोई बुरा फ़ोन नहीं है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है मेरी नज़र में, लेकिन स्नैपड्रैगन 450 के लिए आपको 19,000 देने हो रहे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एक ब्रांड वैल्यू है, आप सब कुछ देख के चलना पड़ेगा। तो ओवरऑल ठीक ठाक है, कैमरा काफ़ी अच्छा है, पर आपको देखने को मिल जाएगी, डुअल कैमरा मिल रहा है, फ्रंट में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा कैमरा मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा खासा बैटरी मिल रहा है, काफ़ी अच्छा खासा डिस्प्ले हमारा आपको देखने को मिल जा रहा है। तो फोन ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।